Good morning to all of you. My name is Akansha Tripathi. I read in class 11 from ME Memorial Education Center. मैं आपको स्वतंत्रता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. उसमें जो भी गलतियाँ हो कृपया मुझे क्षमा करें. स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है? अगर आप यह बात 10 लोगों से पूछेंगे तो आपके पास शायद 10 अलग अलग उत्तर आएंगे, क्योंकि सभी के लिए स्वतंत्रता का महत्व अलग होता है. जैसे किसी को घूमने फिरने में स्वतंत्रता चाहिए, किसी को रोक टोक से, किसी को मनचाहे कपड़े पहनने में स्वतंत्रता चाहिए. दार्शनिक रूसो के अनुसार आम सहमत का अर्थ ही स्वतंत्रता. लेकिन ऐसे पढ़ाई में आपको क्या बनना है, आगे क्या बनना है, किस फील्ड में आपकी रुचि, आप इन सबके लिए अपने माता पिता सलाह ले सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपका ही होगा. यह एक प्रकार की स्वतंत्रता है और वास्तव में आज के समय में यह स्वतंत्रता होनी ही चाहिए. अगर हमारे देश की बात करें तो अनगिनत सैनिकों की जान के बदले आज हमें आजादी नसीब हुई है, जिसका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है. और इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. लेकिन जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या आप वाकई में इस आजादी का मोल चुका रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में हमारे लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ पैसे और धन कमाना ही रह गया. देश विदेश घूमना, पार्टीज में जाना, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन खरीदना, हमारी आज़ादी बस यहीं तक सिमट कर रह गई. हम ना हमारे देश के बारे में सोचते हैं, ना अपने भविष्य के बारे में. हमारा देश निरंतर मुश्किलों के गर्भ में फंसता जा रहा है. काला बाजारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. साइबर क्राइम, रेप, चोरी, आज तक इसमें किसी में कमी नहीं आई है. और जब देश का भविष्य सुंदर नहीं होगा तो हमारा भविष्य कैसे सुदृढ़ बनेगा? हम अपनी झूठी साइंस से ही आज़ाद बने घूम रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब अपनी आदतों के गुलाम बन जाएंगे, जाकर भी देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. हमें आज़ादी कितना बड़ा मूल्य चुका कर मिली है. यदि हम इस बात पर ध्यान दें तो हो सकता है हम देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए. हम देश के लिए कुछ, देश को आज़ाद करने के लिए कितने सैनिकों की जान चली गई, और आज भी सीमा पर खड़े लोग रोज मर रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि हम आज़ाद रह सके, चैन की नींद सो सके. लेकिन हम अंदर ही अंदर इस देश को खोखला किए जा रहे हैं. हमारे जीवन में अगर आज आज़ादी का मूल्य है तो बस यही कि हम अच्छे से पढ़े लिखे और इस देश की नींव को मजबूत रखें, ताकि कोई और देश हमारी इस नींव को उखाड़ ना सके. हमारा भारत देश विविधताओं का देश है. यहाँ भांति भांति प्रकार के लोग पाए जाते हैं, और उन्हीं के होने में से अलग अलग प्रकार के चेहरे, बोलियाँ, संस्कृति, स्वभाव, जीवन शैली, रहन सहन, खाना पीना और न जाने बहुत कुछ पर हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी बात में है कि इसमें अनेकता में एकता वाली बात है. यही सुंदरता है भारतीय होने की. पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार एवं रोचक बात यह है कि इतने अलग अलग प्रकार के लोगों में जो बात सबसे ज़्यादा बरकर आई है, जो बात सबसे ज़्यादा अहम है, वह है आप सबके विचार. थैंक यू.